मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का हम पहला टॉपिक लेंगे। आज हम रूट और रूट सिस्टम के बारे में देखेंगे और देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। तो शुरुआत करते हैं रूट से। तो बेसिकली रूट्स क्या है, अगर हम इसके रूट के कुछ फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले रूट नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये रेडिकल से डेवलप होता है, रेडिकल से डेवलप होता है और रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती है। दे डू नॉट पोजेस नोड्स एंड इंटरनोड्स। अगर हम स्टेम की बात करेंगे, स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड वाले रीजन से लीफ निकलता है, फ्लावर निकलता है, यहाँ पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये अगर रूट की बात करेंगे, ये ग्रेविटी के तरफ जाती है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, ये फोटोट्रॉपिक नेगेटिव है और हाइड्रोट्रॉपिक पॉजिटिव है, मतलब वाटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये मेरे पास रेडिकल वाला पार्ट है, ये रेडिकल है। इस रेडिकल से ये जो मेन रूट निकलती है, इस मेन रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? ये जो है ये हमारे पास प्राइमरी रूट है। इस प्राइमरी रूट पे रूट हेयर्स होते हैं, इस प्राइमरी रूट पे रूट हेयर्स होते हैं। और रूट हेयर्स किस वाले जोन पे होते हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे। इसका जो ये टिप है इसको बोलते हैं रूट टिप। इस रूट टिप पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं रूट कैप। क्लियर है जी? उसके बाद इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकलता है, इस सेकेंडरी रूट से टेरिशरी रूट निकलता है, इस टेरिशरी रूट से फिर क्वार्टनरी रूट निकलता है। क्लियर है ये चीज? तो नाउ अब रूट का सिस्टम है, रूट्स में सिस्टम है, जैसे रूट, टाइप्स ऑफ रूट, रूट्स और उसकी ब्रांचेस, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, और साथ साथ में अगर हम देखेंगे कि रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक स्पेशल सिस्टम में आते हैं जिसको बोलते हैं हम रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा, एक तो आता है अंडरग्राउंड रूट, ये प्राइमरी होती है, और साथ साथ में हम अगर देखेंगे रूट सिस्टम में रूट भी आएगी, ब्रांचेज ऑफ रूट आएगी और रूट हेयर्स आएंगे, ठीक है ना। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स का है, एक है टैप रूट सिस्टम, दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब देखिए ये जो टैप रूट सिस्टम है ना, ये डाइकॉट में पाई जाती है और फाइबरस रूट सिस्टम जो है वो मोनोकॉट में पाई जाती है। क्लियर है ये चीज? टैप रूट सिस्टम को आप इजीली उखाड़ नहीं सकते हो जमीन से, लेकिन एडवेंटिशियस रूट आप इजीली उखाड़ सकते हो, जैसे ग्रासेस वगैरह है, या हम ग्रासेस के साथ साथ मेज प्लांट की बात करें, या हम वीट या राइस की बात करें। क्यों? क्योंकि वो मोनोकॉट्स है, तो मोनोकॉट्स में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम जो है ये डाइकॉट में पाया जाता है, जैसे फिकस है, मैंगो है, एप्पल है, इनमें पाया जाता है, फिकस रेलिजोसा में ये पाया जाता है। तो टैप रूट सिस्टम की फर्दर टाइप्स, सबसे पहले आती है प्राइमरी रूट। देखिए ये प्राइमरी रूट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये प्राइमरी रूट जो है ये रेडिकल वाला पार्ट है। तो इस रेडिकल वाले पार्ट से पहले प्राइमरी रूट निकलेगा। ये प्राइमरी रूट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी। क्या जाएगी? ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, ये इसकी वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रोथ होगा और इसको हम इजीली पहचान सकते हैं, जो भी डीप इनसाइड द सॉइल जाएगी। एडवेंटेशियस रूट की एक खासियत है, जो भी डीप इन द सॉइल जाएगी उससे हम कहते हैं क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट, ठीक है। और प्राइमरी रूट से निकलती है सेकेंडरी रूट। क्या निकलती है? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से निकलती है टेरिशरी रूट, और ये टेरिशरी रूट से निकलेगी फिर क्वार्टनरी रूट। इससे निकलेगी फिर क्वार्टनरी रूट। तो ये था हमारा टैप रूट सिस्टम। दूसरा आता है हमारे पास एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। अगर हम बात करेंगे एडवेंटेशियस रूट सिस्टम की, तो ये मोनोकॉट में पाई जाती है, और ये कहाँ से निकलती है? ये किसी भी पार्ट से निकल सकती है अदर देन रेडिकल। मतलब मान लो यहाँ पे पहले स्टेम निकली। क्या निकली? स्टेम निकली। ये स्टेम है, इस स्टेम के बेस से फिर रूट निकली, है ना। तो ये वाला जो प्लांट है इसे कहते हैं एडवेंटेशियस रूट सिस्टम है। ये प्लांट मोनोकॉट होगा, तो इसमें सबसे पहले आता है फाइबरस रूट। ये फाइबरस रूट ग्रासेस में पाई जाती है, ये ब्रांचेस से भी अराइज होती है, जैसे बनियान ट्री। बनियान ट्री की ये स्टेम है, ये स्टेम आगे ग्रो हो गई, यहाँ से एरियल रूट नीचे की तरफ निकली और ये सॉइल में चले जाए गई, ठीक है ना। और इस वाली ये पिलर लाइक दिखती है, ये कहाँ पे होती है? ये बनियान ट्री में होती है, फिकस बंगालेंसिस में, और नोड वाले रीजन से भी निकलती है। अगर मैंने इस स्टेम की नोड है, इस स्टेम की नोड से ऐसे रूट निकलेंगे, जैसे ध्रुव में होता है, साइनोडोन में, ठीक है ना। तो ये नोड वाले रीजन से भी निकलता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो रूट का स्ट्रक्चर कुछ मैंने यहाँ पे ड्रा किया है,
ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज नोन एज रेडिकल, ये वाला पार्ट रेडिकल है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर इंटर डाउनवर्ड में अगर देखेंगे तो सबसे टिप पे, रूट टिप पे प्रेजेंट होता है रूट कैप। ये रूट कैप जो है ये थिम्बल शेप्ड होता है, थिम्बल शेप्ड कुछ ऐसी शेप होती है, ठीक है ना, थिम्बल शेप्ड है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सॉफ्ट रीजन होता है ये रूट में। अच्छा, और ये रूट कैप एब्सेंट किस किस में होती है, याद है एक्वाटिक प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है, सेकेंडरी रूट में एब्सेंट होता है, और एरियल रूट्स में ये एब्सेंट होता है, जो रूट्स हवा में होती हैं उनमें एब्सेंट होता है, सेकेंडरी रूट में रूट कैप नहीं होगा और एक्वाटिक प्लांट्स में भी रूट कैप नहीं होता है। इस रूट कैप के साथ में यहाँ पर एक्टिवली फास्ट डिवाइडिंग मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं, तो यहाँ पे एक जोन बनेगा जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं मेरिस्टमैटिक जोन। तो मेरिस्टमैटिक जोन में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो हैं इनका साइज समादर साइज का होंगे, ये इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेंस होगा, इनका न्यूक्लियस बड़ा होगा, न्यूक्लियस बड़ा होगा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है, मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ लिंक्ड होगी, प्राइमरी सेल वाल इनमें प्रेजेंट होता है, और इनमें वैक्यूल जो है वो बहुत छोटे साइज का होता है, छोटे साइज का वैक्यूल होगा, लार्ज नंबर में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जोन ऑफ इलांगेशन, यहाँ पे नेक्स्ट जोन आता है जिसको बोलते हैं जोन ऑफ इलांगेशन। इस जोन ऑफ इलांगेशन में इलांगेटेड सेल्स होते हैं, इस जोन ऑफ इलांगेशन में इलांगेटेड सेल्स होते हैं, और ये इलांगेटेड सेल साइज को इंक्रीज करते हैं, और यही जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए, मतलब ग्रोथ ऑफ द रूट को, मतलब ये गिर्थ ऑफ द रूट को भी इंक्रीज करते हैं। द फोर्थ वन इज दैट इज मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन में ये लार्जेस्ट रीजन है रूट का, रूट का लार्जेस्ट रीजन जो है वो मैचुरेशन जोन है। इस मैचुरेशन जोन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट हेयर्स का क्या काम है, वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, ठीक है ना, ये इस रूट हेयर का काम है। नाउ इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ रूट पे, रूट का क्या काम है, सबसे पहले ये एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो वाटर और मिनरल सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ये एब्जॉर्ब करेंगे, रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे, रूट हेयर एब्जॉर्ब करके अंदर ले जाएंगे, अंदर जाइलम होगा और वो जाइलम उसको कैरी ऑन करेगा टुवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। और ये इसका एक और काम है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट के साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है रूट, और ये इसका अगर देखेंगे तो नॉर्मल स्टोरेज भी रूट करता है। क्लियर है ये चीज़। तो ये था आज का टॉपिक, रूट, रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट और फंक्शन ऑफ रूट। इससे आगे आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जो आपके सिलेबस में डिलीट हुआ है, ठीक है ना, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो कल हम डिस्कस करेंगे स्टेम को, ठीक है, थैंक यू।